परिस्थिति का सामना कर नहीं सकते और फिर खुदकुशी का कदम उठाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके जानकारी दूंगा। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कोल्हापुर में सिद्धवेली नाम का जो गाँव है, वहाँ के स्कूल के मुख्य अध्यापक ने, उनका नाम है विष्णु मोरे, उन्होंने खुदकुशी कर लिया। शाला मतलब स्कूल का जो व्यवस्थापन था, उनके तकलीफ की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया, ऐसा बोला गया। वैसे ही अभी मालूम पड़ा कि कल बुधवार सुबह एक बॉलीवुड डांसर मुंबई में है, उसका नाम है अभिजीत शिंदे, उन्होंने अपने घर में गले को फांसी लगा के खुदकुशी कर लिया। भांडू इलाके में रहते हैं। पत्नी पिछले 3 महीनों से उनसे दूर रहती थी, 3 महीने की बच्ची पत्नी के पास में थी, बच्ची को मिलने के लिए पत्नी ने नकार दिया, हाथ में काम नहीं है, थोड़ी पैसे की तंगी है, और फिर ये सिचुएशन में परिस्थिति का सामना लोग नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे इसमें काफ़ी सारे विचार आते रहते हैं और वो विचारों में व्यक्ति बह जाता है, निराशा आती है, फ्यूचर में भविष्य में अंधेरा दिखाई देता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि अभी ये सामना मैं कर नहीं पाऊँगा, अभी तो मैं पूरा हार गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, और फिर उसमें एक स्टेट आती है होपलेसनेस, निराशा, हेल्पलेसनेस की असहायता, और उसमें फिर व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है। इसमें बात यह होती है कि उस समय यदि उसको कुछ मदद मिलती है ना, तो आदमी की जान बच जा सकती है। और मदद मतलब कैसा कि कोई व्यक्ति है कि जिसके साथ में बातचीत कर सकता है, अपना मन हल्का कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो उसको सुनेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको सहानुभूति बताएगा, और फिर उसको शक्तिशाली बनने के लिए जो भी सजेशन है वो सजेशन देगा, या वो जो थॉट आ रहा है वो थॉट निकल जाने तक उसके पास में रहेगा, ऐसा कुछ होता है तो उसकी जान बच सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी घटना अपने जीवन में होती है, वहाँ से डिप्रेशन आता है, निराशा आती है, और उसमें फिर आदमी वो व्यक्ति जो है वो खुदकुशी कर लेता है। और फिर खुदकुशी के बाद में जो लोग पीछे रहते हैं ना, उनको बहुत सारी यातना होती है। सुसाइड का मेन ये है कि भाई वो जो समय है, सुसाइड मतलब खुदकुशी करने के पहले के कुछ क्षण, कुछ मिनट या कुछ घंटे, उस समय उसको मदद मिलने की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ में कोई बातचीत करता है, वो टाइम निकल जाता है ना, तो फिर वो आदमी सुसाइड से बच सकता है। कुछ लोग बहुत प्लानिंग करके सुसाइड करते, खुदकुशी करते हैं, उनको मालूम है कि अपने को यहाँ से निकलना ही है, प्लानिंग करके खुदकुशी कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट सुसाइड करते हैं, मतलब ऐसा एक क्षण आ जाता है कि उसमें उनको विचार इतना प्रभावशाली हो जाता है अंदर का, कि उसमें वो कुछ बिना सोचे हुए फटाक से सुसाइड कर लेंगे, वो कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, और फटाक से जाके सुसाइड कर लेंगे, कूद मारेंगे, जंप करेंगे, कोई पॉइजन ले लेंगे, फांसी लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और सुसाइड कर लेंगे। तो ज़रूरत है कि ये लोगों को आइडेंटिफाई करने की। यदि आपके आसपास में ऐसे कोई भी लोग हो और वो व्यक्ति ऐसा कुछ बोलता है कि मुझे खुदकुशी के विचार आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीना नहीं चाहिए, जीने में क्या मतलब है, मुझे मरने की इच्छा होती है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा मर गया तो अच्छा रहता, अच्छा होगा, मतलब ऐसे कोई भी विचार जब आते, कोई विचार व्यक्त करता है, तो हमने वो विचार ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के नहीं लेना चाहिए कि नहीं ऐसे ही बोलते रहता है, जो बोलता वो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो बोलता है इसका मतलब वो पहले इंटीमेशन दे रहा है आपको, और 90% लोग सुसाइड करने के पहले इंटीमेशन देते हैं, और बिना मतलब 10% ऐसे लोग हैं कि जो बिना इंटीमेशन सुसाइड कर लें, और जो भी इंटीमेशन आपको मिलती है वो एकदम गंभीरता से लेना जरूरी है, उसको सुनना, उसको डॉक्टर के पास में ले जाना, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा, खुदकुशी करने की कोशिश किया होगा, तो उसको उसका बहुत सीरियस लेवल पे उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी जान बच जाती है। ऐसे बहुत जाने आप बचा सकते हैं यदि आप लोगों को, लोगों के विचारों को, लोगों के पास आप घूमते रहे तो, सतर्क रहे तो,
कि कौन क्या बातचीत कर रहा है, स्पेशली जो स्ट्रेस के अंदर है, डाइवर्स है, सेपरेट हुआ है पत्नी से या पति से, फाइनेंशियल लॉसेस है, लोग क्या कहेंगे ऐसा लगता है, है ना, बैंक का बहुत सारा लोन है और उसमें फिर वो लोन कैसा फेड़ेंगे, घर नीलाम हो जाएगा, या कोई किसकी डेथ हो गई, नौकरी चली गई, फेल हो गया, लोगों को कैसा मुंह बताऊंगा ऐसा लगता है, ये कंडीशन आ गई, इसमें वो आदमी सुसाइड कर सकता है। ऐसे लोगों को हमने सुनना है, उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक जान बचा सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लोगों को फैला दो, अपने ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और बेल आइकॉन आता है उसको के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये है, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।